अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वक्त मेरे पास इंग्लैंड में दिन के 12 बज चुके हैं और अभी थोड़ी देर पहले हल्की सी बर्फबारी हुई है और उसके बाद बारिश हुई है और मौसम बहुत खुशगवार और ठंडा है। और इस ठंडे मौसम में एक गर्मा गर्म खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान अभी थोड़ी देर पहले अपना सेमीफाइनल जीत चुका है न्यूजीलैंड से। और तमाम पाकिस्तानी टीम्स को और तमाम पाकिस्तानीज को बहुत बहुत मुबारक हो इस जीत की। और मुझे आज लगता है कि पाकिस्तानीज की जो दुआएं हैं वो बहुत ज्यादा असर रखती हैं। तो थैंक्स ऑल द पाकिस्तानी कि आपने इतनी दुआएं की कि टीम को बूस्ट अप दिया और टीम आज फाइनल में पहुंच गई है। तो अब कल के मैच पे जाएंगे और देखेंगे कि इंडिया और इंग्लैंड क्या करते हैं। तो मेरी जाती ख्वाहिश तो यही है कि इंडिया जीत के आगे आए और एक अच्छा और तगड़ा जो है वो फाइनल देखने को मिले। लेकिन अगर आप इस टूर्नामेंट की हिस्ट्री पे जाएं और 92 की हिस्ट्री पे जाएं तो आई थिंक कि ये सारा जो सिनेरियो है वो सेम ही रिपीट हो रहा है। ऐसे 92 में भी पाकिस्तान पॉइंट्स और बारिश और डकलवत के इंतजार में था कि किसी तरह वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए। और वैसे ही इस T20 में भी पाकिस्तान की पोजीशन सेम वही थी और वो टूर्नामेंट भी वो फाइनल भी 92 का न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में था और ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही खेला जा रहा है। तो देखें, आपकी दुआओं के असर से नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। और आज एक बड़े ही जबरदस्त मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को इजीली हरा दिया। और उसमें स्पेशली जो मुझे लगता है एज ए क्रिकेटर, वो पाकिस्तान की बॉलिंग और फील्डिंग का बहुत अहम किरदार रहा। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के ओपनर हैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, वेल प्लेड बोथ ऑफ यू। और उसके साथ हारिस, जो एक कह सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी टीम के पास हुक्म का यक्का है कि वो एक ही ओवर में गेम चेंजर है और गेम चेंज करने की सलाहियत रखता है। तो वेल प्लेड हारिस एज वेल। तो ऑलमोस्ट सब पाकिस्तानी टीम को बहुत बहुत मुबारक, वेल डन पाकिस्तानी टीम, कीप गोइंग लाइक सेम पैशन। और हम उम्मीद करते हैं कि आप फाइनल में भी ऐसे ही खेलेंगे। लेकिन मेरा जाती तौर पे ये ख्याल है और दुआ है और मेरी विश है कि इंडिया जीत के फाइनल में आए तो एक तगड़ा मुकाबला होगा। लेकिन बीइंग एज ए यूके सिटीजन, मेरी कल के मैच की बेस्ट विशेस जो हैं वो अपनी इंग्लैंड टीम के साथ हैं कि मेरी दुआ है कि इंग्लैंड टीम ये सेमीफाइनल इंडिया से जीते और जीतने के बाद फाइनल में पहुंचे और सेम 92 वाला जो सारा उसका जो रिकॉर्ड है या सेम जो सिचुएशन है वो 100% वो मुकम्मल हो जाएगी और सेम 92 के जो वो टाइम था वो रिपीट हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक इंग्लैंड टीम फॉर टुमारो एंड गुड लक पाकिस्तानी टीम फॉर फाइनल। एंड थैंक्स पाकिस्तानी पीपल्स एंड थैंक्स पाकिस्तानी टीम, यू प्लेड वेरी वेल। अल्लाह हाफिज़।